हमारे देश में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोगों की मानसिकता इतनी संकीर्ण होती है, इतनी छोटी होती है कि वो अपने देश के लोगों को ही विदेशी बोलते हैं, जिसमें हमारे नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। नॉर्थ ईस्टर्न को चाइनीज़ बोलना कोई नई बात नहीं, और हम आए दिन देखते हैं कोई ना कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स को, नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को चाइनीज़ बोल देता है और कहते हैं तो चाइनीज़ है। इसके अलावा उनको कभी कभी मोमोज भी बोला जाता है, लेकिन वो बेचारे फिर भी हर चीज़ को हंसी के साथ लेते हैं और कहते हैं कि भारत हमारा देश है। यकीनन वो उतने ही भारतीय हैं जितने हम हैं। लेकिन अब मणिपुर की एक स्टूडेंट के साथ एक ऐसा वाक्य हुआ दिल्ली में, वो जो वाकई में हर किसी को गुस्सा दिलाता है। दरअसल मणिपुर की एक स्टूडेंट के ऊपर एक मिडिल एज दिल्ली में एक मिडिल एज आदमी गुटखा थूक के चला गया और उसको कोरोना बोल दिया। कोरोना नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स को काफ़ी दिनों से बोला जा रहा है। पहले इनको चाइनीज़ बोला जाता था, फिर मोमोज बोला जाने लगा, और अब काफ़ी दिनों से ये कोरोना कोरोना सुन रहे हैं। इनको मजाक में कोरोना बोल दिया जाता है और बोलने वालों के लिए मजाक होता है, लेकिन जो सुनते हैं उनके दिल पर क्या बीतती होगी उन्हीं को पता होगी। इनको मोमोज बोला जाता है और ये हर बात में हंस कर मजाक में लेकर ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, हमने आपकी बात मजाक में ले ली, लेकिन उनके दिल पर अंदर क्या बीतती होगी ये बात वही जानते हैं। मजाक एक अलग चीज़ होती है, आप आपस में में एक दूसरे का नाम बिगाड़ लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर वो नाम बिगाड़ना किसी के चेहरे पर आधारित हो, किसी को विदेशी बताए या किसी को एक व्यवसाय वाला बताए, क्योंकि तो फिर वाकई में ये मजाक नहीं रहता। अब एक लड़की के ऊपर गुटखा तक थूक दिया गया क्योंकि उसकी जो शक्ल है वो चाइना के लोगों से मिलती है, या फिर यूँ कह लीजिए कि नॉर्थ ईस्टर्न और चाइनीज़ के जो लोग हैं उनके जो फेस कट होता है वो एक जैसा होता है, तो क्या वो चाइनीज़ हो जाते हैं? ऐसे तो जो भारत के लोग हैं और जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका फेस कट एक जैसा होता है, बांग्लादेश के लोगों का, इंडिया का और पाकिस्तान के जो अधिकतर लोग हैं उनका फेस कट आपको एक जैसा देखने को मिलेगा। तो क्या पाकिस्तानी भारतीय हो गया या फिर भारतीय पाकिस्तानी हो गया? बिल्कुल भी नहीं। आखिर चेहरे से किस तरह से आप नागरिकता तय कर सकते हैं, कि चेहरा कौन कैसा दिखता है, आप कैसे उसका नाम बिगाड़ सकते हैं? और यही कारण है कि इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो वाक्यात हैं, ये हर किसी के दिल में गुस्सा भरते हैं। जितना गुस्सा मुझको आता है इस तरह की खबरें सुनकर, उतना गुस्सा आपको भी आता होगा। और हम हर दिन उम्मीद करते हैं कि कम से कम हमारे देश में तो इस तरह के वाक्य ना हों, लेकिन फिर भी होते हैं, फिर भी इस तरह के वाक्य नहीं रुकते। क्या दिल्ली पुलिस ने उस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी पकड़ा जाए और उसको सबक मिले अपने किए का। एक तो कोरोना बोलना, दूसरी बात है गुटखा थूक कर चले जाना, बहुत बड़ा अपने आप में जुर्म है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की तेज दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।